हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेनहीटर्स। दिस इज़ रिद्धि एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं FM2 के बारे में, दैट इज़ फ्लूइड मशीन्स 2। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये सब्जेक्ट में मोस्टली लाइक 60% न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड 40% थ्योरी आएंगे। सो कैसे होता है गाइस, ये जो 60% न्यूमेरिकल्स है ना, वो थोड़े डिफ़िकल्ट वाले होते हैं और थ्योरी ईजी वाली होती है। बट कैसे होता है, एग्ज़ाम के टाइम पर सब हम प्रैक्टिस करने के बजाय हम कभी कभी उसको ओरली समझने का ट्राई करते हैं, एज इफ लाइक मेथड देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम के टाइम पे सॉल्व कर लेंगे। जिससे कैसे होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ब्लैंक हो जाते हैं या फिर स्टेप्स मिस हो जाते हैं, एंड कभी कभी हम अनवांटेड वाले ज़्यादा फोकस करते हैं एंड इम्पॉर्टेंट वाले छोड़ देते हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे होता है, इसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आने के या वैसे बहुत चांसेस होते हैं। तो हमने कैसे किया है पता है आपके लिए, हमने आपके लिए मतलब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाइक 16 कॉन्सेप्ट्स ऐसे रखे हैं जो अगर आपने कर लिए ना, अगर आप इजीली पास होना चाहते हो ये सब्जेक्ट, तो आप पास भी हो जाओगे एंड बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ये 16 कॉन्सेप्ट्स है ना गाइस, वो नोट्स के जैसे है, नोट्स यानी हमारे करेंसी वाले। तो एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं और दूसरा बॉक्स है जिसमें लाइक सिलेक्टेड नोट्स है, लाइक 500 2000 के नोट्स हैं। तो फिर आपको ऑप्शन दिया है, आप इन दोनों में से कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करो। तो हम कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, लाइक विदाउट थिंकिंग हम सेकंड वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कितना भी कॉइन्स उठा ले वो 2000 और 500 के नोट्स से मैच नहीं कर सकता, राइट। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जो क्वेश्चन हैं, वो नोट्स के जैसे है कि इम्पॉर्टेंट भी है और इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक सब मत करो, इतने भी कर लिए तो भी आप पास और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमने आपके लिए ये पूरा प्लान 4 डेज में डिवाइड किया है, जिसमें लाइक फर्स्ट डे पे आपको 4 क्वेश्चन ही करने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल, इसमें न्यूमेरिकल आएगा 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी जो क्वेश्चन में है। सेकेंड होगा पाइप इन सीरीज के कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड और प्रेशर वेव इन अ फ्लूइड, ओके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स डिपेंड्स। एंड द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज़ अ थ्योरी क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन मूडीज डायग्राम, ठीक है गाइस। 5 मार्क्स के लिए आया तो नॉर्मली एक्सप्लेन करो, बट अगर 10 मार्क्स के लिए आया तो डायग्राम को मतलब अच्छे से बनाओ और फिर उसको बहुत अच्छे से लाइक हर एक स्टेप में ब्रीफली आप उसको एक्सप्लेन करो। ये 4 क्वेश्चन आपका डे 1 का प्लान है। सेकेंड डे के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्मूथ पाइप्स, ओके 5 to 10 मार्क्स, क्वेश्चन कैन वेरी। सेकेंड क्वेश्चन इज मोमेंटम ऑफ करेक्शन फैक्टर, ओके 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस, ओके दिस कैन कम फॉर 5 to 10 मार्क्स। 9th क्वेश्चन दैट इज द 3rd क्वेश्चन, दैट इज स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी विच कैन कम फॉर 5 or 10 मार्क्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर द डे 2 इज 3 रिजर्वायर प्रॉब्लम एंड सिफॉन, ठीक है, दिस कैन कम फॉर आइदर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो गाइज ये वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप ये क्वेश्चन करके जाओ। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डे 3 और डे 4 का प्लान भी देख लो। तो जो डे 3 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन वॉट इज मेंट बाय सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, डिस्क्राइब विद स्केच द मेथड्स टू कंट्रोल सेपरेशन, दिस कैन कम फॉर 10 to 12 मार्क्स, ओके मतलब आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैच कोन, मैच एंगल, जोन ऑफ एक्शन एंड जोन ऑफ साइलेंस, दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन एंड कैन कम फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन वाटर हैमर एंड कंट्रोल मेजर्स, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। तो ये था आपका डे 3 का प्लान। डे 4 के लिए प्लान के लिए हमारे पास आपके लिए 3 क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन प्रांडल्स मिक्सिंग लेंथ थ्योरी, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डैशपॉट मैकेनिज्म, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। एंड द नेक्स्ट इज मैच नंबर, दिस कैन कम फॉर 5 to 10 मार्क्स एंड दिस कैन बी अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो गाइज ये थे 16 कॉन्सेप्ट्स जो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ईजीली पास करा देंगे। एंड मतलब सिर्फ इतना ही मत करके जाओ, वी हैव ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन बैंक्स फॉर यू, जिसमें हमने आपके लिए हर एक मॉड्यूल में से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे अलग से निकाल के रखे हैं, सो दैट यू नो यू डोंट मिस आउट ऑन समथिंग एंड यू कैन स्कोर 65+ मार्क्स। नेक्स्ट थिंग दैट लाइक ब्रेनहीटर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यू इज क्वेश्चन पेपर्स, एंड इन दैट क्वेश्चन पेपर्स मतलब वो यूनिवर्सिटी में जो बहुत बार रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, हमने उसको एक अलग कलर स्कीम दिया है।
तो जैसा ही आप वो नॉर्मल MU का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें कैसे आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, दैट मीन्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी नीड टू यू नो फोकस मोर ऑन दिस। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव फॉर यू इज़ ब्रेन हीटर्स ब्लू प्रिंट्स। इसमें कैसे होगा पता है, एक एस्टिमेटेड ब्लू प्रिंट हमने बनाया है जिसमें क्वेश्चन वन में कौन से मॉड्यूल्स आते हैं, क्वेश्चन टू में कौन से मॉड्यूल्स आते हैं, हमने वैसा एक पैटर्न बनाया। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो भी देख लो। और एक और सजेशन है गाइस कि हम आपको सजेस्ट करेंगे ना कि ओरली मत आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, सिट पर डे। अभी सपोज एक कॉन्सेप्ट है तो उसके एटलीस्ट 3 to 4 वेरियस वेराइटी वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इससे कैसा होगा ना, एग्जाम के टाइम पे आप ब्लैंक आउट नहीं हो जाओगे और आप इजीली ये सब्जेक्ट, लाइक अगर कोई भी न्यूमेरिकल आया आपने 5 सॉल्व किए है तो फिर ऑब्वियसली आप उसको एकदम इजीली ये कर सकते हो, तो फिर आपके स्कोरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 4-day प्लान। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, और कमेंट करो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करो, हम यहाँ पे अवेलेबल है, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। एंड आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए नेक्स्ट वो भी कमेंट कर दो। अगर कुछ भी रिसोर्सेस या इसकी ज़रूरत है तो आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और बात, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आए तब भी आपको एक नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू ब्रेन ईटर्स। थैंक यू।